हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पिक्सल वर्ल्ड पंडोल में। मैं प्रवीण कुमार आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। एक्चुअली ये एमएस वर्ड से रिलेटेड है, बट ये सीरीज वीडियो का पार्ट नहीं है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि हम अपने एमएस वर्ड में किसी भी तरीके की चीज को कैसे बेटर टू बेटर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हाउ टू डू बेटर फॉर्मेटिंग। अगर आप हमारे सभी वीडियोस को देखे होंगे तो आप जाने होंगे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे टैब पर, बहुत सारे कमांड पर आप काम करना जान गए होंगे। उस सभी कमांड को कैसे यूज करते हैं ये भी मैंने बताया था, तो आज हम उसी कमांड को फिर से रिवीजन करते हुए एक प्रैक्टिकल टॉपिक की बात करेंगे। एक्चुअली हमारे सामने में एक ये देखिए एक ये क्वेश्चन है किसी स्कूल का है, मैं उस स्कूल का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, टाइप मैंने कर दिया है, मैंने वीडियो को टाइपिंग के मोड में नहीं बताया है ताकि समय ज्यादा लगता है टाइप करने में, तो ये टाइप किया हुआ क्वेश्चन है, बट हम इसे ऐसे ही प्रिंट करके नहीं दे सकते, मुझे इसे सजाना होगा, बेटर फॉर्मेटिंग करना होगा। तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि हम अपने किसी भी क्वेश्चंस को या एप्लीकेशंस को या किसी भी तरीके के हो कैसे बेटर टू बेटर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम लोग अपने इस सेशन को। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके सामने में जो कुछ भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उस फाइल को ओपन कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये तीन पेज का, मैं थोड़ा कम करता हूं, देखिए ये लगभग तीन पेज में है। इसे तीन पेज को क्वेश्चन को फॉर्मेट करना है। दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन फॉर्मेट कर रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि अगर क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ है तीन पेज में क्वेश्चन, तो आप इसे तीन पेज ना समझिए, क्योंकि एक स्टूडेंट को तीन पेज जाएगा, 100 स्टूडेंट हो गया तो 300 पेज हो गया, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन जितने कम पेज में होगा बजट उतना ही कम होगा, तो आपको बजट भी ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप, क्योंकि फॉरवर्डिंग तो होगा नहीं, तो आप जो चौथाई छोड़ता है मतलब मार्जिन जो होता है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो आप बॉक्स देख पा रहे हैं ये आपका राइटिंग एरिया है। तो जब आप क्वेश्चन को फॉर्मेटिंग करेंगे तो सबसे पहला ध्यान में रखना है आपको कि आप सबसे पहले सेलेक्ट ऑल करके आप साइज को एडजस्ट करेंगे। अगर छोटे बच्चे के स्कूल का क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर आप केजी का, वन का, टू का बना रहे हैं, तो साइज आप 18 रखिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं देखने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन सीनियर बच्चे हैं, क्लास 9th के बच्चे हैं, सीनियर बच्चे हैं, तो आप इसका साइज 14-16 के बीच में रख सकते हैं। तो मैं इसका साइज 14 रखता हूँ, ठीक है। 14 रखते ही सबसे बड़ा फायदा तो ये हो गया कि क्वेश्चन दो पेज में चला गया, ठीक है, क्योंकि उस समय साइज ज्यादा था इसलिए वो। उसके बाद आप, चलिए हम शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले पेज लेआउट के अंदर, मार्जिन के अंदर, कस्टम मार्जिन में जाके मैं टॉप मार्जिन को 0.5, लेफ्ट मार्जिन 0.5, बॉटम मार्जिन 0.5 और राइट मार्जिन 0.5, मीन्स सारे मार्जिन को मैंने 0.5 में डाल के कर दिया। ओ, 0.5 थोड़ा सा कम हो गया, चलिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इतना चलेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, आप वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत सारे चीज को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। कैसे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आप स्कूल नेम लिख के इसको सेंटर में डाल दीजिए, स्कूल का एड्रेस डाल दीजिए, इस दोनों के बीच में स्पेसिंग ज्यादा है, आप स्पेसिंग को थोड़ा कम कर दीजिए, स्कूल के नेम को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, 20-21 के आसपास में, 20 कर देता हूँ, ठीक है। स्कूल का एड्रेस जो भी होगा वो स्कूल के नेम से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से एक, नहीं अभी नहीं, पहले आप यहां पर लिखिए
सब्जेक्ट, जैसे कि सब्जेक्ट इसका हिंदी है, ओके। यहाँ पर मैं लिखूंगा फुल मार्क्स, फुल मार्क्स मैं फिलहाल 100 डाल देता हूँ, जो भी होता है। फिर यहाँ पर आप टाइम लिखेंगे, ठीक है, 2 आवर, ओके। आप टैब का प्रयोग करते हुए, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे जो आपको स्कूल की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उस पेज पर आपको ये काम करना। फिलहाल मैं अपने मर्जी से ऐसा कर देता हूँ। आप यहाँ पर एग्जाम डेट लिख सकते हैं, जो भी आपका एग्जाम डेट होगा, ओके। अब आप नीचे में यहाँ एक छोटा सा बॉटम मार्जिन देंगे, मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा। मैं सॉरी, यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्लास छूट गया है, तो आप चाहें तो बीच में क्लास लिख सकते हैं, सीधे 9th कर दीजिए, ठीक। अब देखिए, अब आपको यहाँ से क्वेश्चन को फॉर्मेटिंग करना है, तो आप यहाँ से सारे चीज को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आप हेडिंग ले लीजिए कुछ इस तरीके का, तो आप देखेंगे कि ये ऐसा हो गया। तो इसे आप सबसे पहले सेलेक्ट करके ही देखिए, अगर मैं खुद क्वेश्चन बनाता तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता, तब मैं क्वेश्चन बनाने के साथ ही मैं फॉर्मेटिंग कर देता था, बट मैं यहाँ अलग से फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं इसे सेलेक्ट करके इसे टाइम्स न्यू रोमन में हिंदी में कर दूंगा, और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। अगर आप हिंदी में 14 साइज रखते हैं तो इंग्लिश में आप 12 रखें, 2 साइज छोटे रखें, ठीक है। अब चलिए मैं देखता हूँ, पहला क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन का मार्किंग है, मार्किंग को आप राइट साइड में रखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप 2 रखिए। अब देखिए, मैं इसे बोल्ड कर दे रहा हूँ, मैं इसे भी बोल्ड कर दे रहा हूँ। अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, उत्तर एक वाक्य में दें, मतलब ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस सेकंड नंबर हेडिंग का है, तो आप 5 सेलेक्ट कर लीजिए और टैब का प्रयोग कीजिए। देखिए, ये सारा क्वेश्चन इसमें चला गया। अब आप क्या करेंगे वो देखिए, एक को सेलेक्ट कर लीजिए और इसे इंग्लिश में परिवर्तन कर लीजिए, ये ABCD करके हो गया, कितनी आसानी से हो गया, देख पा रहे हैं आप। चलिए मैं आगे की बात करता हूँ, इस हेडिंग को भी आप बोल्ड कर लीजिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताएं, ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं इसके अर्थ बताने को आपको कहा जा रहा है, तो इसमें भी आप हेडिंग दे सकते हैं, बट इसमें कोई हेडिंग की जरूरत नहीं है, तो आप इसे वैसे ही अरेंज कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ओके। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक जरूर बनता है, लाइक करते रहेंगे। देखिए, आपका हेडिंग नहीं बिगड़ रहा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट करें, ओके। लगता है कुछ छूट गया है, मैं देख लेता हूँ, नहीं सही है, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन टाइप किया हुआ सही है, ये आपका क है जिसे मैंने ए दे दिया, ये आपका ख है, ये बी कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बेटर फॉर्मेटिंग करने के लिए, कि अगर आपका ये ABCD जो आप देख रहे हैं वो इस एरो में है, इस लाइन में है, तो आपका ये एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर आपको उसको भी इसी रेंज में रखना होगा, ताकि वो अच्छा दिखे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, निम्नलिखित ये है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा लाइनिंग है, आप इसे ऐसे रखिए, ओके, और इसमें कोई ABCD नहीं है, तो आप इसे इरेज कर दीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो इस दोनों के बीच में कुछ स्पेसिंग दे सकते हैं, यहां से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए स्पेसिंग, ओके, क्योंकि क्वेश्चन 2 पेज में जा ही रहा है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट एक चीज और ध्यान देना है आपको, कि क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो छूटना नहीं चाहिए,
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें मार्किंग छूटा हुआ है, तो मुझे इसमें मार्किंग करना होगा। क्वेश्चन का हार्ड कॉपी मेरे पास है, मैं उसी में से देख देख कर क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहा हूँ। ये देखिए, इसको मैं अरेंज कर दिया, बी सी ये डी, यस, यहाँ से लिख कर यहाँ तक मैं सेलेक्ट करके इसको यहाँ कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आप एक चीज को ध्यान रखेंगे कि ये जो देख पा रहे हैं आप, ये व्याकरण सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन है, और नीचे में आपके पास मात्र एक लाइन बचा है, तो आप इसे नीचे चले जाइए, नेक्स्ट पेज में चले जाइए। नेक्स्ट पेज में जाने का मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था, कंट्रोल के साथ अगर आप इंटर दबाते हैं तो आप नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। इसे आप सेंटर में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा साइज बड़ा कर दीजिए, हेडिंग है इसलिए। ओके, अब आप अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका 8, 9, 10 है कुछ इस तरीके से, ये एक नया हेडिंग बने, मतलब 1, 2 करके बने, तो आप कर सकते हैं 1। देखिए आपका ऑटोमेटिकली बन गया, मैंने 1 लिखा, और 1 लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद किया, ये कि हिंदी है इसलिए हिंदी में चला गया। अब मैं इसे क्या करूंगा, इससे मैं यहां से इंग्लिश में परिवर्तन करके इसका साइज थोड़ा छोटा कर दूंगा। ठीक है, अब ऊपर देखिए आपका जो लिटरेचर सेक्शन है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 थोड़ा बोल्ड नहीं है, 7 क्वेश्चन है, उसके अंदर कुछ सब क्वेश्चन सब है, और ये व्याकरण सेक्शन में आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों से उचित वाक्य बनाइए, आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसे इंडिकेट कर सकते हैं कौखो गगर से, या फिर आप नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आपको ये वीडियो एक बार में नहीं पसंद, एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो आप दो बार इसे देखिए, तीन बार देखिए, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन भी इसे देख सकते हैं, ताकि आपको इस तरह के काम को करने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। आप इस सब तरीके से घर बैठे बैठे आप कुछ पॉकेट मनी के रूप में कमा सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप किसी स्कूल में टीचर हैं तो आप काम कर सकते हैं, साइबर कैफे चलाते हैं तो आप ये सब चीज को कर सकते हैं। आपको बेटर से बेटर फॉर्मेटिंग करके देना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ओके, मैं इसे थोड़ा बोल्ड कर दिया। एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों, कि ये जो आपका मार्किंग है, कोई आगे कोई पीछे नहीं होना चाहिए, एकदम सीरियल में होना चाहिए। इस चीज का प्रयोग आप टैब के माध्यम से करेंगे, जब आप टैब का यूज करेंगे तो वो एकदम सीधा जाएगा, कहीं से कोई आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आपको इस बात का कि आप स्पेस का यूज नहीं करेंगे, टैब का यूज करेंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये सारा कुछ है, तो मैं इसे टैब का प्रयोग करते हुए साइड कर दिया, इसे मैं यहां से थोड़ा सा इसे मैं सेलेक्ट करके इंग्लिश कर देता हूं। ओके, ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कि आपका क्वेश्चन बेटर से बेटर फॉर्मेटिंग में हो गया। आप ज्यादा फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर स्कूल एग्री कर रहा है तो आप, क्योंकि ये स्कूल का क्वेश्चन है, जो प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने बॉर्डर देने से इनकार किया, तो आप बॉर्डर को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए आप अपनी तरफ से एक चीज लिख सकते हैं स्टूडेंट के लिए, अगर सर को अच्छा नहीं लगेगा तो आप इसे इरेज भी कर सकते हैं। आई थिंक बेस्ट ऑफ लक, आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई थिंक सर भी कुछ नहीं कहेंगे, और यहां से मैं इसे टॉप मार्जिन में डाल दूंगा। ठीक है, मैं अपने डेटा को सेव कर देता हूं।
अब देखिए, ठीक दोस्तों, आई होप कि ये जो फॉर्मेटिंग है वो सर को पसंद आएगा। आप चाहे तो इसे कलर में भी कर सकते हैं, बट मैंने कलर में नहीं किया। आप चाहे तो हेडिंग्स को कलर में डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका बेटर से बेटर फॉर्मेटिंग मैंने आपको करके दिखाया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। दोस्तों, अभी भी अगर आपको फॉर्मेटिंग करने में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं आपके इस कमेंट को पढ़ के समझ के आपके लिए मैं उस कमेंट के रिगार्डिंग वीडियो बना सके। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।